बटाला पुलिस वालों तीन व्यक्तियों नूं अगवा करने दे मामले की गुत्थी कुछ ही घंटियां विच सुलझाउण दा दावा किया गया। उत्थे इस मामले विच दो दोषी जो ट्रैवल एजेंट का काम करते हैं अते उन्हां वल्लों अगवा करने की संजिश रची गई नूं गिरफ्तार किया गया। इस मामले संबंधी बटाला पुलिस SSP अश्विनी गटियाल ने जानकारी देते हुए दस्सिया है कि बीती कल उन्हां दी पुलिस नूं जिला अमृतसर के रहने वाले तीन व्यक्तियों के परिवारों वालों शिकायत दी गई सी कि उन्हां दे जी बटाला एक ट्रैवल एजेंट सुरेश कुमार के दफ्तर आए, लेकिन वह घर वापस नहीं आए और उन्हां विदेश के किसी नंबर तो फोन आया। उन्हां दे जीआं नूं अगवा कर लिया गया है ते 2 करोड़ 50 लाख रुपए की फरौती मंगी जा रही है। जदों पुलिस वालों जांच पड़ताल की गई तो शिकायतकर्ता दे नाल आए सुरेश कुमार ते कुछ शक होया तो पुलिस वालों उस नाल पुछगिछ भी की गई तो सुरेश अते उसदे एक साथी अते उसदे विदेश बैठे बेटे की यह साजिश का खुलासा होया अते जो तिना व्यक्तियों नूं अगवा किया गया सी उन्हां नूं पठानकोट के एक पिंड विच पहुँच छुड़वाया गया। SSP ने दसिया कि इस अगवा की साजिश करने वाले दोवां ट्रैवल एजेंटा गिरफ़्तार किया गया है। मुढ़ली पुछगिछ च सामने आया है कि अगवा हुए भी ट्रैवल एजेंट का काम नाल जुड़े हुए सन अते उन्हां दा पैसे का कोई लैन देन सी। पुलिस का कहना है कि 11 तारीख की जाएगी एक वारदात हुई सी, लेकिन उदा जो रिपोर्टिंग है वो 12 तारीख नूं यानी कल शामी 7 बजे इन्फॉर्मेशन मिली सी कि एक प्रभदीप सिंह, रजिंदर सिंह और वसंत सिंह तीनों जो है ये अमृतसर देहाती के रहने वाले हैं और ये आए सिगे इत्थे। एक सुरेश कुमार हैगा, ये भी अमृतसर का रहने वाला हैगा। इन्हें अपना एक इमीग्रेशन का दुकान खोलनी सी, उन्हां दे दुकान दे ओपनिंग वास्ते ये तीनों आए सिगे 11 तारीख नूं, लेकिन ये 24 घंटे बाद भी अपने घर पहुंचे नहीं सिगे। तो जदों ये घर नहीं पहुंचे तो फिर इन्हें जो फैमिलीज हैगे, ये तिना दी जो फैमिलीज है, उन्हें सुरेश कुमार नूं पुछा कि इदां दी साडे जो घर दे मैंबर्स ने वो तुहाडे कोल आए सिगे लेकिन हुण तक वापस नहीं आए। तो फिर ये कहंदे रहे कि नहीं इत्थे उत्थे गए होने, चेक कर दांगे जो ये आसे पासे होणगे मैं तुहानूं दस दांगा। तो लेकिन थोड़ी देर बाद ऑलमोस्ट अराउंड 20 इनके राती जो 11 तारीख राती इन्हों एक कॉल आ जाती है बाहरली नंबर तो कि ये तीनों जो है इन्हों असी किडनैप किए हैं और सानू तुसी 2.5 करोड़ रुपए दे दो, जो 2.5 करोड़ दोगे तो फिर ताड़ा बंदा वापस आऊगा, नहीं तो फिर उन्होंने लाश आऊगी। इस तो बाद भी जो फैमिली मैंबर्स ने इन्हें सुरेश कुमार नाल ही टच से रहे, इन्हें पुलिस को इनफॉर्म नहीं किया। फिर फाइनली इन्हें थके हार के जो उन्होंने कोई उदे चे सहारा नहीं मिलिया या उन्होंने कोई अगे की इनफॉर्मेशन नहीं मिली तो फिर इन्हें बटाला पुलिस को इनफॉर्म की कि साढ़े घर के जो 3 मैंबर्स ने इस तरीके नाल जो मिस होए हुए ने। तो इदे उत्ते इमीडिएटली एक्ट करते हुए बटाला पुलिस जो सिटी सब डिविजन सिटी का जो अपनी टीम है SHO सिटी और DSP सिटी, उन्हें इमीडिएटली सुरेश कुमार उन्होंने बुलाया अपने को और उन्होंने जो चंगी पत्र नाल उन्हां दी गलबात हुई, उन्होंने इंट्रोगेशन हुई तो उदे विच ये चीज़ सामने आई कि एक भूषण सिंह नां दा व्यक्ति वह भी आया सीगा इत्थे 11 तारीख नूं, वह पठानकोट का रहने वाला हैगा। उन्हें इन तिना नूं अपने कोल बिठा के ले गया, वह भी 11 तारीख ही ले गया और कित्थे ले गया क्यों ले गया इन्हां नूं पता नहीं सीगा। फिर लेकिन ये बाद च सानूं पता चलिया कि इन्हें पैसे लेना सीगा इन्हां तो, वह भी हले तफतीश ते चल रही हैगी कि किस चीज़ का पैसे हैगे किन्ने पैसे ने। इन्हें अपने कोल गड्डी च बिठा के लै गया भूषण सिंह और मुकेरिया दे कोल कित्थे इन्हां नूं छड़ दिता, इन्हां दी अक्ख जे पट्टी बन के एक जो खेत दे विच इन्हां नूं छड़ के वह पठानकोट वापस चल गया। ये लेकिन इहदा पिछे सारा जो मास्टरमाइंड सीगा वह भूषण सिंह दा बेटा हैगा बीर सिंह, वह हुण बाहर बैठा होया उत्थों दी ये चला रहा सीगा। इनफैक्ट ये बाहरली नंबर तो इन्हां दे जो रजिंदर सिंह है वन ऑफ द विक्टिम जो सीगा उहदा वाइफ नूं ही इन्हें फोन किया सी जो 2.5 करोड़ दे बारे। जदों इन्हां ने मुकेरिया च छड़ दिता सीगा उत्थे दी दो मुंडे होर आए, वह आके इन्हू अपने को लेके चल गए, इन्हू राती वक् वक् थावां ते रखता। जदों सानू ये इनफॉर्मेशन मिली सी इमीडिएटली असी रेड किया सीगा पठानकोट और उत्थों दी भूषण सिंह और जो गड्डी इन्हें इन्हां नूं पिक करने के लिए यूज किया था वह गड्डी दोवें जो है रिकवर हो गए ने। और भूषण सिंह दे पुछगिछ दे विच इस चीज़ सामने आई सी जो बीर सिंह है जो भूषण सिंह का बेटा आ उन्हें इन्हां तों पैसे लेने सीगे, उहदे करके इन्हें सुरेश कुमार दे नाल मिल के ये सारा साजिश रचिया सीगा और उन्हां नाल असी कम्यूनीकेशन एसटैबलिश कीते। कम्यूनीकेशन एसटैबलिश करके
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਤੇ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਵਿਕਟਿਮ ਸੀਗੇ ਜੋ ਹੋਸਟੇਜ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੇਫਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਸੀਗੇ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜੋ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਐਂਗਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਅਭੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਚ ਕਾਫੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂਧੀ ਖੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜਿਨ੍ਹੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕੀ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਇਹ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਡਲਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਲੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਹਲੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼।